ये वो इधर आ जाना। तो ये जी हमारी सीट है, तो ये चाचा जी हमें टिकट वगैरह कह रहे हैं स्कैन करो, स्कैन पार्किंग में लगा रहे हैं। भाई पहले प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि मैंने कहाँ पे जाके जो ना कश्ती को सेट करना है। अच्छा इसकी जो है ना ब्रेक पता कैसे लगती है, रिवर्स गियर लगा के। Assalamualaikum guys, welcome to another video. तो मेरे साथ हैं, इनका नाम है सुलमान, वो सुलमान खान नहीं, सुलमान खाली गुमन। तो ये भाई दुबई में होते हैं और मेरे साथ मेरे रूममेट भी हैं। तो हम लोगों ने जो है ना दोनों ने मिल के एक प्लान बनाया कि यार एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना है ना कि जो बड़ी यूनिक है और हिस्ट्री है, पूरी दुबई की जो है ना हिस्ट्री है, और उसका नाम है ओल्ड सिटी दुबई। तो अभी हम जो जा रहे हैं वो इंशाल्लाह विद इन कैल कोई 15 से 16 मिनट तक जो है वो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह भरवाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह पेट्रोल भर के फिर आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या हम देखते हैं। ये जो रेंज रोवर है ना, ये भाई वो वाला पेट्रोल डला रहे हैं। कौन सा भाई? 5 रुपए का फी लीटर, 5 दिरहम्स का, यानी कि फुल। और जो है ना हम लोग अभी डलवा के मिनट में फारग भी हो गए, भाई उस वक्त का खड़ा हुआ है, कोई मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए अभी तक उसकी टैंकी नहीं फुल हुई। यानी कि भाई ये तो हर टाइम ही जो है ना वेरी एक्सपेंसिव पेट्रोल। क्या बात है, गुड इंग्लिश, वेरी गुड इंग्लिश। आपने कभी सिग्नल वगैरह तोड़ा? जी सर, ये एक सिग्नल तोड़ा था मैंने, जब मैंने नया नया लाइसेंस लिया, मैंने शायद देखा नहीं था या क्या हुआ, आई डोंट नो, तकरीबन मुझे फाइन आया था 4600 के और 12 ब्लैक पॉइंट। यानी पाकिस्तानी कह लो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए। उसके बाद तो फिर तोबा हो गई, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आंखें खुल गई, दिमाग खुल गया, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके हो गया। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं और अभी हमें जो है ना एक चीज़ है, पार्किंग नहीं मिल रही, तो इसीलिए खजल खुआरी हो रही है। तो बस पार्क करके जो है ना मिल गई है, पार्किंग मिल गई है। यार क्या, लेकिन बड़ी बड़ी दूर मिली है ना, तकरीबन हमें 600 मीटर जाना पड़ेगा पैदल। चलें फिर, नहीं नहीं तो चलो भाई, तो करना है ना। हाँ पहुँच तो गए, चलो अब आपको दिखाते हैं कि क्या है ओल्ड सिटी में। सो गाइज फाइनली जो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हमारे साथ सीन ये हुआ है कि हमने ना अभी ये वाला जो सेशन था ना, ये जो आपको दिखाना है अभी, ये जो है हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो अब हम दोबारा कर रहे हैं। तो गाइज अब मैं वहां पर पहुंच चुका हूं जहां पे आपको ले जाना चाहता था। ये देखो यार, ये दुबई का फ्यूचर है और ये जो है ओल्ड सिटी है। यानी कहने का मकसद ये है कि आप एक जगह पर खड़े हो के फ्यूचर भी देख सकते हो पीछे, और ये ओल्ड सिटी है। तो आओ अब हम चलते हैं जी अंदर, क्या सीन है अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या, मैं दिखाता हूँ सब कुछ। अभी मुझे कुछ भी नहीं वैसे पता कि यार है क्या यहाँ पे, कुछ है इधर, आप दिखाते हैं गाइस। हाँ दिखाते हैं इंशाल्लाह, आ जाओ। चलो इंटर होते सारी ये आपको छोटी सी एक मार्केट नजर आती है, चीजें वगैरह पड़ी हुई है, परफ्यूम वगैरह, शूज वगैरह, कपड़े, यहाँ के जो लोकल ड्रेसेस हैं वो भी आप ये देख सकते हैं। और आए हाय पूरा माहौल है यहाँ पे। ये देखो जी ये बोट है, ठीक है, यहाँ पे आप तक आप दिखाते हैं, हम आपको इसके अंदर जाते हैं इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इसके अंदर भी जाएंगे, और यहाँ पे हर नेशनलिटी यहाँ पे पहुँची हुई है, हमारे पीछे भी, हमारे पीछे भी हिंदी हिंदी वो इंडियन है। हाँ तो अब आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई आए हाय।
अच्छा सुलेमान भाई, ये जो बोर्ड अभी मैंने दिखाई है इनको, ये आपके पीछे जो है, हाँ, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जो आप वीकेंड के दिन ये पार्टी वार्टी आपने करनी है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, स्टाफ के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, तो वो आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अगर आप आए हैं पाकिस्तान से कहीं किसी भी कंट्री के लिए, तो आप ये बड़ी बोर्ड बुक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको खाने का सब कुछ मिलेगा, वाशरूम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ये अभी सब कुछ इन्होंने बंद किया है, इधर अलाउ नहीं है कोई आम विजिटर आए। वो VIP जो विजिटर वगैरह हैं यार, वो आते हैं, वो उसी के लिए ओपन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर के नेशनलिटी होल्डर और ब्रिटिश पीपल जो वीज़े के ऊपर ये स्टैंप लगवा के आते हैं कि हमने इधर सिर्फ खाली विजिट करना है, ये वो इन चीज़ों के लिए सब कुछ क्लोज करके रखा है। अभी वो आएंगे इसीलिए ओपन होगा। लेकिन आज मंडे है गाइस, सब कुछ इसलिए लोग नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग काम पे। अच्छा, मंडे इसलिए इतना रश नहीं है? हाँ, अच्छा, वीकेंड पे इधर बहुत रश होता है। कभी कभी आपको वीकेंड पे लेके आएंगे इधर, देखिएगा। जी भाई, तुर्की आइसक्रीम है, खानी है कि नहीं खानी? बहुत तंग करते हैं। अच्छा, वैसे ये जो है ना बड़ी फेमस है यहाँ की, लेकिन अभी हमारा दिल नहीं कर रहा, अभी हमने जो है ना बिरयानी शरयानी खाई है। हाँ, बोल रहे हैं। ये देखें जी, पहले पुराने वक्तों में कैसे जो है ना बाले, हमारी जुबान में अगर कहो तो बाले वगैरह लगा के ना यहाँ से दूसरी जगह पे जाने के लिए ना, ये आप देख रहे हैं ये बाले चाले लगाए हुए हैं, और यहाँ से आराम से आप जा सकते हो। ये इतना नाजुक भी नहीं है और इतना मजबूत भी नहीं है कि यहाँ इस पे ज़्यादा लोड डाला जाए, बस इतना है कि लोग वगैरह गुजर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो ये देख रहे हो, ये इस तरह पुराने स्टाइल के ना हवा यहाँ से गुजरती थी, ठीक है, और नीचे तक आती थी ताकि जो है ना वो घर का या जहाँ पे ये रहते हैं उनका माहौल ठंडा रह सके। ये इन्होंने अपना जो है ना ट्रेडिशन बताया हुआ है कि कैसे औरतें वगैरह खाना वगैरह पकाती थी, और ये इन्होंने वॉल पेंटिंग वगैरह की हुई है। बड़ी मज़े की जगह है यार, ये देखो, आए है। मैं कहता हूँ अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो आपको चस आ जानी है यहाँ आके। सो गाइस, हम लोग जो है ना वो बड़ी देर से एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ तो अभी ये खुला है, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट है उसका है, तो वैसे ही हम लोग फेरा शेरा लगाते हैं। हाँ, कमाल की जगह है यार, कमाल की जगह। ये देखो ना, ये मिट्टी है, पता नहीं क्या है ये। आपको जो है ना ऊपर से व्यू दिखाते हैं, ये ऊपर रेस्टोरेंट है, हाय हाय। लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना, ये देखो क्या बात है। तो गाइस, थोड़ी थोड़ी जगह पे जो है मार्केट वगैरह बनाई हुई है, ये देखें बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। ये देखो इनके जो ट्रेडिशनल ये चीज़ें हैं, गदियाँ शदियाँ कलीन वगैरह सारी, ये सब कुछ इनका ट्रेडिशन है कि वो पहले वक्तों में अभी भी ऐसे कपड़े लड़कियां पहनती हैं यहाँ के लोकल। ये देखो जी, मिर्च मसाला, ये जी ये जो मिर्च मसाला यूज़ करते हैं, बड़ा प्यारा डेकोर हुआ हुआ है। ये जो है इसको बखूर कहते हैं ना, बखूर है, और ये इनका जो है ना ट्रेडिशन। और ये हैं जी यहाँ के तुम्हारे शेख हैं। अच्छा जी, भाई यहाँ पे जो है ना मुझे लगता है कि हम ही जो है वो पाकिस्तानी है, बाकी तो भाई यहाँ पे सारे कोई और ही है, किसी और नस्ल के पुत्र हैं। तुर्की, तजाकिस्तान, इधर के लोकल। अच्छा, और ये मिस्र के जो वो आए सब इधर हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। अच्छा, उनको पुराना कल्चर वो नहीं छोड़ सकते कभी भी, और वाकई बड़ी कल्चरल चीज़ें बड़ी हैं। आप आके यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, ये है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम मिलती हैं ना। तो गाइस, ये है जी बखूर जिसकी बात आपको कर रहा था, ये जो है यहाँ के लोग जो है खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, और ये हर लोकल, अगर लोकल है ना तो हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में ये जो है ना लोकल यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ड्राई फ्रूट की मार्केट है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा हुआ, खजूरें वगैरह सारी चीज़ें इनके पास हैं। हम लोग जो है ना बड़ी देर से एक चीज़ ढूँढ रहे हैं, वो है कश्ती हैं यार, हमें नज़र नहीं आ रही अभी जो है ना। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सलमान जो है ये कोशिश कर रहा है कि हमें मिल जाए,
पहले इधर से उधर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। गाइस इस चीज का इंतजार था आपको भी और हमें भी, हम तो दोनों दिन से थके हैं, वो मिल गई है ये यार। हाँ अभी इसका जो है ना टिकट का कोई करते हैं कोई सीन। गाइस अभी आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है, मुझे मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ना हम लोगों ने टिकट वगैरह ले ली है, ये जो है ना हमें मिली है 2 दिरहम की। तो ये है जी, आए हाय हाय ये हम जा रहे हैं। क्या बात है भाई, पीछे तो जगह नहीं मिली है, पीछे तो जगह मिली नहीं। अच्छा चलो फिर इधर जो है ना फ्रंट पे बैठ जाते हैं मज़े से। वाह जी वाह, ये चेक कर रहे हैं। वाह इधर अलाउ नहीं है मेरे ख्याल से बैठना। हाँ इधर अलाउ नहीं है क्योंकि ये मोटर लगी हुई है। चलो अब आपको दिखाते हैं, ये देखें जी ये वो इधर आ जाए। तो ये जी हमारी सीट है। तो ये चाचा जी हमें टिकट वगैरह कह रहे हैं स्कैन करो। स्कैन हो गई हमारी टिकटें, स्कैन हो गए जी टिकटें। और अब मे बी विद इन 1 या 2 मिनट में हम लोग जो है ना चल पड़ेंगे। और बड़े मज़ा आ रहा है यार, क्या बात है। ये जी कॉकपिट व्यू, आए हाय चाचे और हूँ चलान लगे ने, देखो पहुँच रहे हैं कि डूबने। सो गाइस मेन चीज़ पता क्या है, इन लोगों ने ना ये दुबई की जो गवर्नमेंट है यूएई की, हर चीज़ अपने कंट्रोल में है। जो भी छोटी से छोटी टूरिस्ट हो गया या किसी चीज़ में भी होगा ना, सब चीज़ अपने कंट्रोल में है। यानी कि कोई दूसरा बंदा या थर्ड पार्टी ये चीज़ नहीं कर सकती। और ये बड़ा मज़े की चीज़ है, ताकि जो है ना हर चीज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहे। तो ये बड़ा मुझे अच्छी चीज़ लगी। गाइस ये जी हम लोग चल पड़े हैं, आए हाँ रिवर्स लगा दिया गियर इन्होंने। हाँ जी मज़ा आ रहा है, जिंदाबाद हो मुशर मतलब मज़े ही आ गए। पहुंच चुके हैं, ये देखो अब ये लगा रहे हैं, पार्किंग में लगा रहे हैं। इस तरह लगती है भाई, पहले प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि मैंने कहाँ पे जाके जो ना कश्ती को सेट करना है। बड़ी यार एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ये, देखो ना ये है। अच्छा इसकी जो है ना ब्रेक पता कैसे लगती है, रिवर्स गियर लगा के है ना। तो गाइस ये जो है ना हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ये जी इस तरह इन्होंने ये बांधा है, ठीक है। और ये एक और खाली आ रही है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये व्लॉग, मज़ा आएगा होगा, उम्मीद है कि आपको ये बड़ा ही मज़े का लगा होगा व्लॉग। बस मैं एक चीज़ जो आपको बता रहा हूँ कि आपने जो ना 1K लाइक का टारगेट है आपने फड़का के मारने हैं। तो सलमान भाई कैसा मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। और शाम को हम आपको एक और चीज़ दिखाएँगे, हम शाम को एक आपको सरप्राइज देंगे, बताना नहीं है हम। ठीक है जी, ठीक है ओके। तो अगर आपको, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है ना मोटोमैन की आर्मी है। तो आपने बस एक चीज़ करनी है, पेज को करना है, फॉलो करना है, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर किया करो, जिसकी वजह से जो है ना मेरी वीडियो वो दूसरों तक पहुँच सकती है। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको और तगड़े मज़े की वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।